नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 7 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई कमिट पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि विद्युत मंत्रालय द्वारा। तो विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट पहल की शुरू की थी। ठीक है, इस पहल को क्यों शुरू किया गया? तो भाई क्या होता है कि हमें एक मजबूत एवं लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाना है, ठीक, और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाना है। तो इन सब के लिए हमने आई कमिट एक पहल शुरू की थी। ठीक है, तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत क्या होता है कि जो EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है ना, के माध्यम से क्या होगा, सरकार कंपनी और ये जो भी बहुपक्षीय कंपनियां होती है और थिंक टैंक वगैरह, इन सबको एक साथ लाया जाएगा। ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पर नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की, तो देखिए ये पूरी 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है और विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक एनर्जी सर्विसेज कंपनी है ये, और इसका गठन हुआ था वर्ष 2009 में। और किसके अंतर्गत आती है ये अंडर है विद्युत मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। महिला फुटबॉल एशियन कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और इसका सही जवाब है ए, यानी कि भारत। ठीक है, तो भारत ने इससे पहले 1979 में एशियाई महिला कप की मेजबानी की थी और उस टाइम पे हम उप विजेता बने थे, है ना, सेकंड रनर अप हम रहे थे, रनर अप थे उस टाइम पे। और इस बार जो टूर्नामेंट का आयोजन होगा ये 2022 में होगा और कुल 12 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, 2023 में हमें पता है कि फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, महिला विश्व फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसके लिए एक प्रकार से क्वालिफिकेशन वाला टूर्नामेंट भी रहेगा ये। और वर्तमान में भारत तो इसमें मेज़बान देश बन गया है, तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर चुका है। अगर मैं बात करूं एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष की, तो ये है शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा। और अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष की, तो ये है प्रफुल्ल पटेल। ये दोनों नाम आप याद रखना, है ना, हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19 पुस्तिका लॉन्च की गई? तो इसका सही जवाब है सी, रमेश पोखरियाल। दोस्तों क्या हो रहा है, अभी COVID-19 में ऑनलाइन टीचिंग का थोड़ा क्रेज बढ़ चुका है, तो किस प्रकार से हमें सुरक्षित रहना है टीचरों को भी और बच्चों को भी, तो इसके लिए एक पुस्तिका लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? HRD मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और ये दोनों मतलब NCERT और UNESCO दोनों ने संयुक्त रूप से इस पुस्तिका को विकसित किया है, जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कैसे आपको सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्या है, अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इसको भी। अगर मैं बात करूँ यूनेस्को की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस और फ्रांस। जी हाँ बिल्कुल, पेरिस सुंदरियों का शहर। अगर इसकी फाउंडेट की बात करूँ मैं, कब बनी थी, 16 नवंबर 1945। तो याद रखना यूनेस्को का हैप्पी बर्थडे कब आता है, 16 नवंबर को आता है। यूनेस्को क्या करता है भाई, शिक्षा प्रगति समाज विज्ञान इन क्षेत्रों के माध्यम से ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का काम करता है, कौन, यूनेस्को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, यानी कि 6 जून। देखिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो कितनी है, 6, कौन कौन सी है, अरबी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, SI में क्वेश्चन, MPSI में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, ये कितनी, 6 भाषा हैं जो यूनाइटेड नेशन की जो आधिकारिक भाषा हैं। ठीक, तो इनको बढ़ावा देने के लिए, इतिहास संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। अब रूसी भाषा जो दिवस है, ये एक महान रूसी कवि थे, उनका नाम था A.S. पुश्किन, उनका जन्मदिन भी है 6 जून को। ठीक है, तो उनके जन्मदिन के ही रूप में ही इस
भाषा दिवस को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? वेरी गुड, यूनाइटेड स्टेट में है। अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन के जन्मदिन की, कब मनाया जाता है हैप्पी बर्थडे इसका? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर मैं, हाँ, ये हैप्पी बर्थडे से मतलब दोस्तों कि इसकी स्थापना किस दिन की गई थी? 24 अक्टूबर 1945। ये डेट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। इसके महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटेरेस। एमपीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी हाल ही में, तो आपको याद रखना है एंटोनिया गुटेरेस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में डीएलएफ के अध्यक्ष के पद हेतु किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो सही जवाब क्या है इसका? बी राजीव सिंह, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, माफ कीजिएगा, यहाँ पर दो हैं, कुशल पाल भी है और राजीव सिंह भी है। चलो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं क्या है। देखिए डीएलएफ का नया अध्यक्ष चुना गया है राजीव सिंह को, ठीक। राजीव सिंह किसका स्थान लेंगे? कुशल पाल सिंह का। कुशल पाल सिंह अभी हाल ही में, मतलब ये इस पोस्ट से सेवानिवृत्त हुए हैं, और कुशल पाल सिंह को चेयरमैन बनाया गया है, चेयरमैन एमेरिटस यानी कि मानद चेयरमैन बनाया गया है, और अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजीव सिंह को। डीएलएफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ मैं। मुख्यालय कहाँ पर इसका? नई दिल्ली, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? मूल नाम दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, ये डीएलएफ का पुराना नाम था। और ये एक रियल इस्टेट डेवलपर कंपनी है, ठीक है। डीएलएफ का नाम आपने कब सुना होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही है, 2008 का जो आईपीएल हुआ था उसको पहले डीएलएफ ही स्पॉन्सर करता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के परिसर भवन में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया? और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो भाई हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण संचालनालय परिसर भोपाल, है ना, ये भोपाल में स्थित है, वहाँ पर एक पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। किसके द्वारा? वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा। तो उन लोगों ने क्या किया, जो परिसर में जगह थी वहाँ पर वृक्षारोपण किया, और प्रत्येक पेड़ को प्रत्येक कर्मचारी ने उसको अपनी माँ का नाम दिया है, ठीक है, थैंक यू मॉम। तो ये लोग क्या करेंगे अब, देखिए जैसे ये पेड़ है तो इसकी देखभाल अपनी माँ की तरह करेंगे, ठीक है। जब तक वो परिसर में रहेंगे, जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं हो जाते, तो वो उस पेड़ की देखभाल करेंगे, ठीक। तो ये बहुत अच्छी पहल है, बट रिक्वेस्ट है सारे कर्मचारियों से, जैसे कि क्या होता है कि वर्तमान में माँ, कुछ लोग माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कर्मचारियों से इन पौधों के साथ ऐसा ना करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय द्वारा। देखिए आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर द्वारा एक प्रतियोगिता शुरू की गई है, ठीक है। क्यों की गई है भाई? 21 जून को पता है योगा डे, वर्ल्ड योगा डे, और हमारा छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं, कब? 21 जून को। तो भाई एक प्रतियोगिता है, इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, आप भी शामिल हो सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? 3 मिनट का एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, और साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि योग से आपके जीवन कैसे प्रभावित हुआ, ठीक है। लेकिन ये फ्री फोकट में नहीं होगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कौन इतना मेहनत करे, लेकिन इसके लिए इनाम का प्रबंध किया गया है। अगर आपका वीडियो अच्छा है, ठीक है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो आपको 1,00,000 रुपये फर्स्ट पुरस्कार मिल सकता है, 50,000 मिल सकते हैं सेकेंड पुरस्कार, या 25,000 रुपये थर्ड पुरस्कार आपको मिल सकता है। तो कीजिए, एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड योगा डे की, 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। शहरी वन कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? 4 नाम है आपके पास, फटाफट बताइए जी। बिल्कुल सही, सही आंसर इसका सी है, प्रकाश जावड़ेकर। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे? प्रकाश जावड़ेकर हैं। इन्होंने 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। शहरी वन कार्यक्रम है ये, और 200 शहरों में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा आने वाले दिनों में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? हाल ही में हुआ था ये, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। इन्होंने एक वर्चुअल मतलब दोस्तों क्या होता है? आभासी, मतलब पता है जा नहीं पा रहे हैं आजकल तो फ्लाइट वगैरह सब बने, तो वर्चुअल मतलब आपके कैमरे की मदद से, ठीक है, या फिर
कोई सी भी, जैसे कि हम भी वर्चुअल मीटिंग करते रहते हैं जूम ऐप की तरफ, तो ऐसा एक वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया ब्रिटेन की तरफ से, जिसमें 50 से अधिक देशों के शीर्ष व्यापारी, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, नागरिक वगैरह इन्होंने भाग लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से भारत के द्वारा 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद है ना, या भी देने का प्रतिबद्धता नरेंद्र मोदी द्वारा जाहिर की गई है। अगर मैं बात करूं इस GAVI की, तो इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक है, पहले क्या होता था इससे पहले कि विकासशील देशों में देखो वैक्सीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी आती रहती है। तो इसको जब ये GAVI की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसने प्ले किया था, ठीक, तो इसमें क्या था, आपके गेट्स फाउंडेशन ने, मिलिंड एंड गेट्स फाउंडेशन ने स्थापना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उनके सहयोग से 2000 में इस GAVI की स्थापना की गई। अब होता क्या है भाई, टीकाकरण या वैक्सीनेशन में ये लोग क्या करते हैं, कुछ जैसे भी नई बीमारी आती है या फिर पुरानी कोई सी बीमारी है, तो ये जो GAVI है ये वैक्सीन को ईजाद करता है, नई वैक्सीन बनाता है, ठीक है, जिससे कि इम्यून सिस्टम लोगों का बढ़े और रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़े और किसी भी प्रकार की बीमारी का प्रसार ना हो। तो वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण क्या होता है, देखिए वैक्सीन अगर आप लगा लोगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि यार कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी, तो जब कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी तो वैक्सीन को लोगों को लगाया जाएगा, तो इससे क्या होगा, लोगों की रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, अगर आप कभी लिखने में आए कि वैक्सीन या टीकाकरण क्या है, तो जिसमें व्यक्ति को प्रतिरक्षा या संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोध क्षमता को विकसित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली बात, अगली न्यूज पर चलते हैं हम। एडिडास ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइए फटाफट आंसर। चलिए मानुषी छिल्लर है इसका सही जवाब, और मानुषी छिल्लर को एडिडास ने अपना महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और मानुषी छिल्लर कौन है, जी हाँ, मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर ही थी। चलिए अब कमेंट में आप बताइए मुझे कि इससे पहले कौन कौन या कितनी महिलाओं को मिस वर्ल्ड का ताज मिल चुका है, भारतीय महिलाओं को। ठीक है, तो ये था आज का अपना न्यूज डिस्कशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि कुछ कमी हो तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।